नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19, 20 और 21 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, उनके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे वर्तित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 19 सितंबर की बात करें तो दोस्तों, ये दिन रविवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और शतभिषा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो धृति नामक शुभ योग और शूल नाम का 2 शुभ योग रहेंगे। ये आपके घर के माहौल के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए लाभकारी स्थितियां आपको देने वाले होंगे। राहु काल के समय की बात करें तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 4:52 से लेकर शाम के 6:22 तक। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। इसके उपरांत दोस्तों, चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों, अगले दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी और दोस्तों पूर्व भाद्रपद नाम का इस दिन नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। वह दोस्तों, इस दिन शूल नाम के योग के उपरांत ही गंड नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय सुबह के 7:48 से लेकर सुबह के 9:19 रहेगा और चंद्रमा दिन कुंभ के उपरांत मीन में गोचर कर जाएंगे। वह दोस्तों, आखिरी दिन 21 सितंबर की बात करें तो मंगलवार के दिन होगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी और उत्तर भाद्रपद नाम का नक्षत्र इस दिन प्रारंभ होंगे। दोस्तों, ये दिन बहुत ही अच्छे योग हैं, वृद्धि नामा शुभ योग बन रहे हैं। राहु काल के समय दिन शाम के 3:20 से लेकर शाम के 4:50 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन भी मीन राशि में ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय विपरीत परिस्थितियों से उभर के पारिवारिक सामंजस्य बनाने में आप कामयाब रहेंगे। दोस्तों, ये जो दिन है अच्छी तरह से आप बिता पाएंगे। घर में शांति तथा आनंद का वातावरण रहेगा एवं दोस्तों यश में सुखमय प्रसंग बनेंगे। दोस्तों, यश में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें यश की प्राप्ति होगी, आरोग्य यश में अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो आप कम मेहनत से ही अच्छी सफलता प्राप्त करने में यशमय कामयाब रहेंगे इन दिनों में। लेकिन आपको किसी को न ही उधार देना है और न ही किसी से आपको उधार लेना है, अन्यथा दोस्तों यश में आप जो है उनसे फंस सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, यश में इन बातों का आप ख्याल रखें। वही दोस्तों, इसके बाद ये दिन दुविधा भरा भी परिस्थितियाँ आपके लिए लेकर आ सकता है। कुछ निर्णय जो लेने में या फिर चीज़ों तय करने में आपको परेशानी महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह समय कोई आपको आपकी गलतियां भी बता सकता है, जो भी आप गलती करते हैं आपको सामने भी ये बोल सकता है कि आपने ये गलत किया है। तो दोस्तों, इनसे जो है थोड़ा आपको अपना जो अभावपन महसूस हो सकता है। दोस्तों, ये जो समय है कुछ अनिश्चितता की स्थिति में आप रह सकते हैं। यह समय आप किसी कारण से काम को टालने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों करियर से जुड़े वही फैसले लें जिनसे आपकी जो कार्यशैली है या फिर कुशलता प्रभावित न हो। दोस्तों, यश में आपके करियर यानी जो भी करियर में काम करते हैं उसमें दोस्तों आप सावधानी पूर्वक जो है सावधानियां बरतें, क्योंकि दोस्तों सावधानी अगर आप रखेंगे तो अभी आपके कार्य जो है यश में अच्छी तरह से और भी जो फलित होगा। दोस्तों, यश में आपके व्यावसायिक कार्यों में सहकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा, खर्च सामान्य से अधिक रह सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये जो समय है कई प्रकार से अच्छा रहेगा। यश में आप अपने प्रियतम के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं या फिर इनका प्लान कर सकते हैं।
इस दौरान आप दोनों में एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करते हुए आप दिखाई भी देंगे। दोस्तों यश में आप अपने साथी के साथ अगर बाहर जाते हैं तो अपने भावनाओं को भी आप उनसे शेयर कर सकेंगे। जो भी आपके मन में बात है उनसे आप यह समय बेझिझक कह पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में रिश्तों के मामले में आपके लिए दिन जो है जिम्मेदारियाँ निभाने का समय होगा। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो सेहत में कुछ सुधार होगा, आपको सकारात्मक परिणाम यश में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यश में अपनी दिनचर्या में संयम बरतने की सलाह भी है, यह सलाह गणेश जी भी देते हैं। किसी छोटी परेशानी को लेकर बड़ी चिंता करने से यश में आपको बचना होगा, अन्यथा यह चिंता जो है आपको थका सकती है, तो दोस्तों इनका आप खास ध्यान रखें। वहीं दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। दोस्तों इन दिनों में गणेश जी कहते हैं कि आप किसी टिकाऊ वस्तु की खरीदारी करेंगे। दोस्तों इन दिनों में घर की साज सजावट की इच्छा से आप प्रदर्शनी में से ही गृह उपयोगी और आर्टिस्ट वस्तुएं खरीदने के लिए पसंद करेंगे। दोस्तों ऐसी संभावना है। वहीं दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करेंगे। यश में कार्यालय में आप गप अधिक करेंगे। दोपहर के भोजन के बाद जो समय आपके गुजरेगा यश में, आप उनमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को और देखेंगे। मीटिंग रूप में एक अच्छी प्रस्तुति देने के दौरान आप अव्यस्त भी रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके विचारों की जो है प्रशंसा की जा सकती है। वहीं दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच उमंगें बढ़ने और साथी के साथ एक रोमांटिक शाम का अवसर मिल सकता है। वहीं दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो अभी तक आप जो भी कुछ पैसे को जमा कर रखे हैं उस पर एक सकारात्मक रूप से सोचने में आप सक्षम रहेंगे। वहीं दोस्तों इस समय के जो आपका दूसरा हिस्सा होगा वो हिस्सा आपके लिए पहले हिस्से से अच्छा होगा, आप बहुत ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। हालांकि दोस्तों आप दूसरे हिस्से में एक बेहतर मूड में रहेंगे। पहले हिस्से में आपको जो है शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस होगा और दोस्तों दूसरे हिस्से में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। दोस्तों इन दिनों में आप तली भुनी खानों की चीज़ों से किनारा करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो दोस्तों यश में घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह ले लें। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप धन संचित करने की सलाह भी यश में ले सकते हैं। वहीं दोस्तों यश में आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास दिलाएगा। दोस्तों ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके नज़रिए से अपने सपने साकार होते हुए भी देख सकेंगे। दोस्तों आपको अपनी हार से सब कुछ सबक सीखने को मिलेगा। दोस्तों यह समय खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी है आपको बेवजह तंग कर रहा है। किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि ये जो इसका परिणाम आपके ऊपर क्या क्या होगा या फिर कैसा पड़ेगा। दोस्तों यह समय आप काला वस्त्र गरीब को दान करने से आपका जो प्रेम संबंध में जो भी नोकझोंक होते हैं या प्रेमी के साथ जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं आपके आने वाले समय के लिए एक और महत्वपूर्ण और भाग्यशाली टोटके। दोस्तों प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें, शाम के समय में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और साधक को इससे आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इन बातों का ख्याल अपने डेली रूटीन लाइफ में रखें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।